कल आपको हम फोन करते हैं। खिजरी विधानसभा के प्रत्याशी रामकुमार पाहन है, अभी वो नामांकन करके निकले हैं। रामकुमार पाहन जी, नामांकन आपने कर दिया है, कितनी तैयारी है खिजरी को लेकर कहेंगे तो? देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र का शुरू से मेरा तैयारी है, कोई नया बात नहीं है। मैंने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और आशु के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम निचले स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर संगठन का काम किया है, इसलिए पूरा पूर्ण रूप से तैयारी है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार, जनता के बीच में जाएंगे फिर से? हमारे बहुत सा मुद्दा है, मुद्दा तो बहुत है। मुद्दा ये है कि चूँकि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने कॉलेज बनवाए हैं, ITI कॉलेज बनवाए हैं, अप्रोच का आपका पुल बनवाए हैं, ये सारा काम अभी मतलब जहाँ बनवाए थे यथावत है, तो उसको प्रायोरिटी के आधार पर जनता के हित में हम उसको पहला शुरुआत करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। राजेश कच्छप कर रहे हैं कि 5 साल में निकलते नहीं है, बस योगा करते रहते हैं, कहाँ से जीतेंगे रामकुमार पाहन भाई? राजेश कच्छप जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर उन्होंने खिजरी विधानसभा के जनता के प्रति कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि 5 साल के दरमियान उन्होंने कम से कम खिजरी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लोगों को बदनाम करने का काम किया है, चूँकि कलकत्ता जेल जाके उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये मैया योजना दिया और आती है तो हम लोग ने फिर से 2,500 रुपये देने का काम करेंगे, जनता खुश है खिजरी का। मैं तो कहा कि चूँकि वहाँ का विधायक जी भी और हमारा जो PS सरकार भाई हेमंत जी भी, जिस तरह से ठग का सरकार है, जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का है, उसका जवाब जनता देगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपये, कहाँ दिया भैया? उन्होंने कहा था कि जो चूल्हा प्रमुख महिला लोग हैं हमको 2,200 रुपये महीना देंगे, कहाँ दिया? आज आचार संहिता लग रहा तो 1 महीना 2 महीना 1,000 रुपये। उसी तरह वहाँ के विधायक जी ने 5 साल के दरमियान में 50 स्थानों पर शिलाफट लगाने नहीं सका, और जो लोग आवेदन दिया था घर में और उसका रखा हुआ था अलमीरा में, उसका सूची बना के और घर घर गाँव गाँव में अभी शिलाफट लगा रहा है, जनता को मूर्ख बना रहा है कि हम काम कर दिए हैं। तो इस तरह से जो धोखा दे रहा है उसका ना जनता में काफ़ी आक्रोश है, और उसका लाभ हम लोग NDA को मिलेगा। राजेश कहते हैं कि हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन BJP वाले जो है याल दाखिल करने चल जाते हैं। राम कुमार जी, राजेश कच्छप ने कहा है कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने काम करती है, लेकिन BJP के लोग PIL दाखिल करने चले जाते हैं। जी जी, जय श्री राम, क्या कहेंगे? हेलो, जिंदाबाद। युवाओं का काम रोजगार हम लोग देने का काम करते हैं, लेकिन BJP वाले PIL दाखिल काम कर रहे, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है सरकार को। आपने बोला था कोर्ट आप लोग चले जाते हैं जब युवाओं की बात, कुछ नहीं, कोर्ट क्यों जाएंगे? आखिर अपने जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे आपका राजेश कच्छप जी, उन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं है, अरे कोर्ट हम कहे जाएंगे? उसको अपना काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ खिजरी विधानसभा से, इन्होंने नामांकन किया है, और रामकुमार पाहन जो NDA के प्रत्याशी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस बार रामकुमार पाहन वहाँ से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं राजेश कच्छप है और NDA से रामकुमार पाहन है, ये 23 नंबर को ही आखिर पता चल पाएगा आखिर जीत किसकी होती है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष न्यूज विंग रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो